तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th के साइंस के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप इस पूरे चैप्टर को समझना चाहते हैं तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर अच्छे से देख लें एक बार। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे आए हुए हैं वो है न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, क्या काम करता है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये सारा कंप्लीट डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। देखिए न्यूक्लियस, सबसे पहली बात तो जब हमने एक्टिविटी की थी उसमें हमने अनियन पील चीक सेल्स को जब देखा था तो जो पार्ट सबसे ज़्यादा स्टेन हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो पार्ट दिख रहा था, सबसे ज़्यादा आसानी से जो पार्ट ऑब्जर्व हो रहा था ओवल स्फेरिकल शेप का, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्टेन लेता है पार्ट, सबसे ज़्यादा कलरफुल जो पार्ट दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पे, उसको हम क्या बोलते हैं, जो है न्यूक्लियस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे है कि न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में समझने वाले हैं हम। सबसे पहली बात, न्यूक्लियस के पास डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है और उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ताकि वो मटेरियल्स का एक्सचेंज कर सके साइटोप्लाज्म के साथ। आगे देखिए दोस्तों, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के पास होते हैं क्रोमोसोम्स। देखिए दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस के पास एक एंटेंगल्ड थ्रेड यानी एक बंधे बंधाए धागे जैसा एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। इस मटेरियल को हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं इसको हम। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है ये कुछ रोड शेप, इस तरह की शेप में चेंज हो जाता है, इस तरह की शेप ऑफ सेल्स। वैसे तो इनकी शेप अलग होती है लेकिन ये मेनली रोड शेप के नज़र आते हैं, इनकी शेप अलग होती है वैसे क्रोमोसोम्स की। ठीक है, रोड शेप ले लेता है ये क्रोमेटिन मटीरियल। ठीक है, कंडेंस हो जाता है आपस में, कंडेंस का मतलब ये धागे आपस में जुड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और इनकी जो ये थ्रेड लाइक शेप है वो थ्रेड लाइक ना रह के रोड लाइक शेप हो जाती है। पहले जहाँ हम इसको क्रोमेटिन कह रहे थे वहीं अब इस रोड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स कहेंगे। ये क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए और प्रोटीन्स, इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। ये जो डीएनए होता है इनके अंदर ये इनहेरिटेंस में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का उनके बच्चों में, उनकी संतानों में ट्रांसफर करना, ये काम यही डीएनए करता है। दरअसल क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं और डीएनए के अंदर होती हैं जीन्स, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। इन जीन को ही यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, डीएनए और जीन की हेल्प से ही पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अब ये जो हमारा डीएनए है, ये जो हमारे जीन्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि सेल किस तरीके से ग्रो करेगा, किस तरीके से डेवलप करेगा, किस शेप का होगा, क्या और कैसे फंक्शन करेगा, ये सारी चीजें ये डीएनए और जीन ही डिसाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अमीबा जब रिप्रोड्यूस करेगा तो उसकी नई सेल भी अमीबा ही होगी, ये उसके डीएनए की वजह से ही ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्ली को बिल्ली का बच्चा यानी किटन ही पैदा होगा जो बड़ा होकर बिल्ली बनेगा, ऐसा उनकी उसके उसके सेल्स के अंदर प्रेजेंट डीएनए की वजह से या जीन्स की वजह से ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो सेल कैसे डेवलप होगी, ठीक है, सेल किस तरह की दिखेगी मैच्योर होने के बाद, ये सारी चीज़ें डीएनए और जीन्स ही डिसाइड करती हैं। तो ये था दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में जो आपके सिलेबस में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है यहाँ पे कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। दोबारा बताता हूँ दोस्तों, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन सेल्स में न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली डिफाइंड कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, और जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनको कहा जाता है यूकैरियोट्स। तो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स का एक एग्जांपल है, प्रोकैरियोट्स को हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं, और यूकैरियोट्स हमारे एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स भी कहलाते हैं। आगे देखिए दोस्तों,
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिर्फ इतना ही फर्क नहीं होता, और भी कई फर्क होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। मैंने आपको इससे पिछले वाले पार्ट्स में समझाया है कि सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है, जो अपना अपना काम संभालते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर वो सेल ऑर्गेनल्स भी विदाउट मेम्ब्रेन वाले होते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर लगभग सारे सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे बताया है कि जो क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसके अंदर प्लास्टिड्स जैसे दिखने वाले ऑर्गेनल्स तो होते हैं लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स कंपैरिजन किया गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का। देखिए इस कंपैरिजन में आपको क्या सिखाने की कोशिश की गई है, पहली बात तो साइज, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले काफी कम होता है। न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स में, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। एक ही क्रोमोसोम्स होता है प्रोकैरियोट में, कई क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन बाउंड एंड वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में नहीं होते और यूकैरियोट्स में होते हैं। यानी मेम्ब्रेन्स की बात है फ्रेंड्स, ज़्यादातर यहाँ पे जो बात है वो मेम्ब्रेन्स की है कि मेम्ब्रेन्स जो हैं ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन्स यूकैरियोट्स में तो होती हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। अगला है हमारा स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म वो पार्ट होता है जो सबसे कम स्टेन लेता है, ठीक है, जो सबसे कम वेरी लिटिल स्टेन, सबसे कम कलरफुल जो पार्ट दिखाई देता है वो साइटोप्लाज्म होता है। ये सेल का फ्लूइड कंटेंट होता है, ठीक है, ज़्यादातर सेल्स में ये जेली लाइक होता है, फ्लूइड कंटेंट भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ये मटेरियल्स का एक्सचेंज करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। जो भी मटेरियल बाहर जाएगा वो साइटोप्लाज्म से बाहर जाएगा और जो भी मटेरियल अंदर आएगा वो पहले साइटोप्लाज्म के अंदर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे इसने हमें वायरसेस के बारे में बताया कि वायरसेस के पास भी कोई मेम्ब्रेन्स नहीं होती, इसलिए उनके अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादातर बार दिखाई नहीं देती। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि वायरसेस को लेके आज भी साइंटिस्ट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हैं, कुछ कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। इसका रीज़न यही है कि वायरसेस जो हैं वो लाइफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते जो कि बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। तो एक कैरेक्टर ये भी है, उनके पास मेम्ब्रेन्स ही नहीं होती, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की से इस प्लेनेट पे पाए जाने वाले बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाकी काफ़ी अलग होते हैं। आगे दोस्तों पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। आगे हमें जो डिस्कस करना है दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। देखिए सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर या सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई यानी चेंज करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को टारगेट लोकेशन तक भेजना होता है, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स बनाने होते हैं, एनर्जी को स्टोर करना होता है। तो ये सारे काम सेल के अंदर प्रेजेंट बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स संभालते हैं और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। दोबारा फिर इसने वही बात की है कि सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो वेल डिफाइंड होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड नहीं होते। कुछ सेल ऑर्गेनल्स के नाम जो इसने हमें बताए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, और ये अलग अलग फंक्शंस करते हैं सेल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। इससे आगे आने वाले पार्ट में हम आगे सेल ऑर्गेनल्स की डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।